और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और उस सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है तीन चीज। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पेट्रियोटिक है, हम भी देशोप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं, ऐसे हम लोगों ने यह तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसस्टेनेबल क्या नहीं किया, हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके, जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ आए हुए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी, मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है।